अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी तवा नान की, और मैंने कहा था कि उसी डो के साथ हम पिज्जा भी बना सकते हैं। मुझे पता है आप लोगों में से कुछ समझ रहे थे मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ये हो सकता है। और मैंने इसको बनाया है और इतने मजे का बना है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। वो लोग जिन्होंने तवा नान की रेसिपी मिस कर दी है, वो रेसिपी ऑलरेडी मेरे इंस्टा पे, मेरा यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पे अवेलेबल है। दे कैन इजीली गो थ्रू दैट रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ये डो सुबह उठते साथ मैंने तैयार करी थी, दैट मीन्स मैंने इसको 11 बजे तैयार कर दिया था और अब रात के 10 बज रहे हैं और इसको मैंने कवर डाल के रख दिया था। जो रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, आप उसको डबल द क्वांटिटी, ट्रिपल द क्वांटिटी कर सकते हैं। सो इट्स द सेम रेसिपी। ये देखिए कितने अच्छा इसके ये बबल्स आए हुए। ये हम थोड़ा सा क्लीन सरफेस है, प्लीज मेक श्योर, मतलब कि आप लोग जो कहते हैं कि सरफेस क्लीन है, आई नो आई हैव टू नीड, और मैं उसको साफ करके ही यूज करती हूँ। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। आपने दो बनाने हैं, आपने चार बनाने हैं, दो बड़े बनाने हैं, तो आप इसको दो में कर लें। ये हमने डो को हमने दो हिस्सों में कर दिया। अगर आप एक छोटे छोटे पिज्जा बनाने हैं तो यहाँ पे चार बन जाएंगे। मैंने दो बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास बड़े वाला है पैन, तो मैं दो बनाऊंगी। सो इसको अब हम रेस्ट के लिए रख देंगे, अगेन वेट मलमल के क्लॉथ के साथ फॉर 30 मिनट्स। जितनी देर में हम दो को रेस्ट दे रहे हैं उतनी देर में हमने सोचा कि वाई नॉट चिकन को ग्रिल कर लिया जाए। और पिज्जा जो है, इससे पिज्जा इस लाइक सैंडविच, आपका जो दिल चाहता है उस पर डाल दे। मतलब कीमा भी पड़ा हुआ है, कीमा भी आप डाल सकते हैं। अगर किया हुआ कीमा पड़ा हुआ है तो मेरे पास फ्रिज कोई मेरे बारे से चीज नहीं लेके आई, नथिंग, एवरीथिंग वॉज इन माई फ्रिज। चिकन मेरे पास एज आई ऑब्वियस है कि मैं मैरिनेट करके चिकन चिकन करती हूँ क्योंकि मेरे बेटों को पसंद है ग्रिल चिकन। उसके बाद सांडर टोमेटो हमारे पास थे, घर में ऑलिव होते हैं, चेरी पेपर्स थी, ये मेरे पास चीज ऑलरेडी अवेलेबल था। फेटा चीज, अगेन मेरे घर में चीज बहुत इस्तेमाल था, फेटा चीज मेरे पास था, चेरी टोमेटोज थे, एंड वॉट एस पिज्जा सॉस थी। बस हाँ, अगर नहीं है तो मेरे पास फ्रेश सैलेड इस टाइम पे नहीं, जो कि मेरा बड़ा दिक्कत है कि पिज्जा के ऊपर फ्रेश सैलेड एंड ड्रिजल ऑफ ऑलिव ऑयल हो, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, वो नहीं है तो पिज्जा ही नहीं बनेगा। प्री हीट द अवन फुली, मैंने इसको नीचे से और क्या नाम है ऊपर से, दोनों तरफ से मैंने इसको फुली इसको गर्म करने के रखा है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऊपर करके रखा है, ठीक है। और ये पिज्जा प्लेट जो है मैंने इसको ऑलरेडी गर्म करने रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम तवा नान का हमने नान लगाया था ना, उसकी बेस को हम इसी तरह तवे के ऊपर उसकी बेस को तैयार करेंगे ताकि वो नीचे से पक जाए। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर ड्रेसिंग वगैरह डाल डूल की जो भी है, और मैं इस प्लेट के ऊपर स्लाइड कर दूंगी। ऑलरेडी प्री हीटेड है, ठीक है जी। और हमने ऊपर का ओवन चलाया हुआ है और ऊपर से पिज्जा तैयार हो जाएगा। चिकन रेडी, टॉपिंग्स रेडी, चीज रेडी, डो रेडी, वी आर रेडी फॉर लिफ्ट ऑफ। ये देखिए जी, डो का हमने सेट कर लिया और अब हम इसको पकड़ेंगे। और चाहे तो आप रोलिंग पिन के साथ इसको करें, चाहे तो आप इसको हाथ के साथ करें। जो बेसिकली पिज्जा वाले जो होते हैं वो हाथ के साथ इसको करते हैं, ठीक है जी। ऐसे आप अंदर से बाहर की तरफ लेके आए। परेशानी की कोई बात नहीं है, आपने इसको आराम से, ये जो बबल्स आ रहे हैं ना ये साइड पे, ये जो बबल्स हैं, इससे इतना अच्छा पिज्जा बनता है, इतना अच्छा टेक्सचर आता है। बड़े प्यार से आप इसको फैलाते जाए। ये मैं आपको बता दूं, ये वो अमेरिकन स्टाइल पिज्जा नहीं बनेगा, ये वो बनेगा इटालियन स्टाइल, जो रस्टिक पिज्जा होता है ना, ये वैसे बनेगा। ये जो श्रिंक होता है, जितना आपने आराम आराम से इसको करना है, ये जैसे छोड़ेंगे ये वापस आ जाएगा। सो आपने इसको टाइम लगाने, ये देखिए ये देखें जी, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने 13 इंच तक इसको कर लिया है। और आप चाहें तो इसको ऐसे ऐसे करके इसको शेप दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको आराम से उठाएंगे, ठीक है जी। आराम से उठा के आपने तवे पर रख देंगे ताकि उसके नीचे से बेस जो है ना वो अच्छी तरह जो है ना हल्की आग पे अच्छी तरह लाल हो जाए, क्रंची हो जाए। उसके बाद जब क्रंची हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो गरम हमने प्लेट रखी हुई है अवन के अंदर, हम आराम से इसके ऊपर टॉपिंग्स डाल के हम उस प्लेट पर रखेंगे, ताकि ऑलरेडी गरम प्लेट होगी, टॉपिंग्स जब उसके ऊपर पिज्जा जाएगा तो ऊपर से हीट आएगी, तो फौरन से पहले आपका पिज्जा तैयार हो जाएगा। सो अब मैं इसको तवे पर रख लेंगे।
आप सोच रहे होंगे कि मेरी रोटी को उठाना कैसे है, मसला कोई नहीं है। अब आपने रोलिंग पिन लिया, ठीक है जी, रोलिंग पिन के साथ ऐसे आपने जैसे हम पाए बनाते हैं और उस तरह हमने इस पे ये डाला, ठीक है जी। हम इसको आग पे रखा है ताकि नीचे से इसको सेक आ जाए, जैसे बबल्स आएंगे आपको पता चल जाएगा कि नीचे से रोटी पकना शुरू हो गई है। अभी आप देखिए टोटल से 2 मिनट ही गुजरे हैं और आप ये चेक करें ये बबल्स आना शुरू हो गए, ठीक है जी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इजी पीजी पिज्जा बनाना, ये आप देख सकते हैं ये किस तरह आपके बबल्स आ गए हैं, ठीक है जी। ऐसे पिज्जा के नॉर्मली होता है ना कि हम लोग कहते हैं रस्टिक पिज्जा है और बबल्स, ये मैं आपको इजी पीजी तरीका बताया। पिज्जा डो की बहुत रेसिपीज मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, लेकिन ये मेरे ख्याल से अभी तक वन ऑफ द इजीएस्ट रेसिपी आई कैन एवर मेक। अब मैं इसको इधर रिमूव करके ये जो मेरी पिज्जा प्लेट है इसके ऊपर मैं डालूंगी और मेरी कोशिश होगी कि बबल्स जो है ना ये खराब ना हो, ये देखिए, ठीक है जी। इसकी आग हम हल्की कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर अभी दूसरा पिज्जा आएगा। जो डो तैयार की थी इसके ऊपर हमने रेड सॉस डाल दी है और ये अब मैं फेटा चीज डाल रही हूँ, इसके ऊपर क्रश किया हुआ फेटा चीज है। आप चाहें तो मेरे पास इस टाइम पे मोज़रेला नहीं था, फ्रेश मोज़रेला नहीं है, बस फेटा चीज थी तो मैंने वो ही डाल दी। दिस इज अ चीज अवर पिज्जा, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, चीज। ओह दिस इज हेल लॉट ऑफ चीज हियर एंड माय किड्स वांट्स एक्स्ट्रा 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 चीज, और कुछ नहीं चाहिए हमें। देखिए जी, ठीक है जी, इनाफ बरसा इनाफ। बिस्मिल्लाह करें, जरा ओवन में डालें इसको। अच्छा जी, और थोड़ा सा ना हम ऊपर क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगानो, फ्रेश ऑरिगानो। ये देखिए, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स बाद में आप डाल सकते हैं इसके ऊपर, आप चाहें तो ऑरिगानो डाल सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट टू हैव। मुझे पता था मोहम्मद अली कर रहे हैं। सो दिस इज द पिज्जा इन द ओवन और आगे 10 मिनट्स भी लगेंगे, आपका पिज्जा रेडी। जितनी देर में चीज पिज्जा हो रहा है उतनी देर में हम लोगों ने चिकन वाला पिज्जा बनाया, जिसके अंदर मैंने चिकन डाला है, ऑलिव डाले हैं, चीज डाला है, चेरी टोमेटोज डाले हैं और साथ मैंने क्या डाला है, सनड्राइड टोमेटोज डाले हैं। सो अब ये वो निकालेंगे तो ये ओवन में चला जाएगा। ये देखिए जी, हमारा चीज और पिज्जा इज रेडी, ये देखें। और हमें वापस इसको उसी तरह रख दिया है, बंद कर दिया है। अब सिर्फ इसमें अगर मिसिंग है तो ग्रीन्स मिसिंग है, इट्स ओके, होता है, और जो अवेलेबल है उसी के साथ हम लोगों ने चलना है। और अब जी चिकन सुप्रीम गोइंग इन, ऑफ इट्स सो हॉट। ओ टास्क, ये रे जी पिज्जा बीइंग सर्व्ड और ये सेकंड पिज्जा है और बहुत ही खस्ता और बहुत ही मजेदार। आई होप यू गाइस आर गोइंग टू गिव इट अ ट्राई एंड डू गिव मी योर फीडबैक। एज आई ऑलवेज से, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, ये घर का है, योर फूड द वे यू वांट इट। Yeah!